हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 सितंबर और कल 12 सितंबर को मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मुझे बनानी है एक स्पेशल लंच थाली। और लंच थाली का मेन्यू है दम आलू, फ्राई गोभी, दाल की कचौड़ी, सिंपल पूरी और खीर। और क्योंकि कल कृष्ण जी की छठी भी है तो भोग के लिए मुझे कढ़ी चावल भी बनाने हैं। और कुछ चैलेंजेस हैं मेरे सामने, जैसे कि कल मंत्र का प्रिपरेटरी ऑफ है, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो परसों उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है तो उसको एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ाना है, और सारा काम मुझे अकेले ही मैनेज करना है। और बेटी मेरी कल जाएगी स्कूल क्योंकि उसका वर्किंग डे है, तो उसकी भी कोई हेल्प मुझे नहीं मिलने वाली है, और मुझे उसे सुबह को टिफ़िन भी बना करके देना है। तो जब ऐसा होता है कि बहुत सारा काम होता है तो हमारी काम आती है एडवांस प्लानिंग। इसलिए मैंने सोचा कि मैं प्रिपरेशन का जो वर्क है वो पहले दिन करके रख लेती हूँ, और ऐसा प्रिपरेशन मुझे करना है जिससे कि टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और हमारा काम भी डिवाइड हो जाए। दम आलू के लिए मैंने ग्रेवी बना ली है, टमाटर, अदरक और मिर्ची का पेस्ट बना करके जीरे और घी का तड़का लगा के उसको मैंने भून करके रख दिया है। और यहाँ पर मैं दम आलू के लिए आलू को फ्राई करूँगी। तो मैंने बेबी पोटैटोज़ यूज़ किए हैं, और इनमें भी दो तरीके के आलू हैं, कुछ बहुत छोटे हैं और कुछ थोड़े बड़े साइज़ के हैं। तो जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं उनको मैंने फॉक से प्रिक नहीं किया है और ऐसे ही उनको फ्राई कर लिया है, लेकिन जो थोड़े बड़े साइज़ के आलू हैं उनको मैं फॉक से प्रिक कर रही हूँ, यानी कि उनमें छोटे छोटे छेद कर रही हूँ जिससे कि वो फ्राई अच्छे से हो, अंदर तक सिके, और दूसरा जब हम उन्हें ग्रेवी में डालें तो फ्लेवर्स उनके अंदर तक जाएं। तो आलू को मैं फ्राई करके रख दूँगी लेकिन ग्रेवी के साथ मिक्स नहीं करूँगी, अभी वो मैं सुबह में ही करूँगी। और आलू को फ्राई करते करते ही मैं गोभी को भी कट करके रख दूँगी। गोभी को अभी कट करके रखूँगी ना तो तीन फायदे होंगे, एक तो सुबह का टाइम बच जाएगा, दूसरा अगर कोई कीड़ा वगैरह होगा तो वो मैं अभी चेक कर लूँगी, और तीसरा जितना भी कचरा निकलेगा, जितना भी मेस होगा प्लेटफॉर्म पर वो अभी हो जाएगा, फिर सुबह गंदा नहीं होगा। तो आलू मेरे यहाँ पर फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल के इस जाली में रख दूँगी जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ओके, तो ग्रेवी बन गई है, आलू फ्राई हो गए हैं, गोभी काट ली है, अब मैं कढ़ी के लिए बैटर तैयार करके रखूँगी। तो मैंने यहाँ पर लिया दही, उसके अंदर बेसन डाला है, नमक डाला है, हल्दी, मिर्ची डाली है, और इनको मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी, और फेंट करके जब इसके सारे लम्स निकल जाएंगे तो मैं इसको एज इट इज़ फ्रिज में रख दूँगी। अब ये मेरा कढ़ी का घोल तैयार है, सुबह मैं उठने के बाद नहा करके और सबसे पहले कढ़ी रख दूँगी क्योंकि कढ़ी बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और टमाटर की ग्रेवी के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है, अभी कोई मसाला ऐड नहीं किया है, और मैं इसको कढ़ाई में ही फ्रिज में रख दूँगी। नीचे का शेल्फ़ मैंने पहले से खाली कर लिया था जिससे कि फ्रिज के अंदर जगह क्रिएट हो जाए। तो फ्राई आलू को भी मैं फ्रिज में रख दूँगी कवर करके, और सुबह में ये तीनों चीज़ें मैं बाहर निकाल के रख दूँगी कुकिंग से थोड़ी देर पहले, जिससे कि कुकिंग से पहले ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। अब मेरे एक दो काम और बचे हैं, एक तो मुझे कचौड़ी के लिए दाल भिगोनी है। मैं जनरली जो कचौड़ियाँ बनाती हूँ उसके अंदर उड़द की दाल की स्टफ़िंग करती हूँ, लेकिन इस बार मैं मूंग की दाल की स्टफ़िंग करूँगी। तो मैंने 2 चम्मच उड़द की दाल ली है और बाकी उसमें डाली है मूंग की दाल, इसको मैं रात में भिगो के रख दूँगी। और मूंग की दाल की जो कचौड़ियाँ हैं वो डाइजेशन में लाइट होती हैं, ज़्यादा हैवी नहीं होती हैं, लेकिन उड़द की दाल को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो हैवी हो जाती है। तो इसको मैंने भिगो के रख दिया है और रात में मेरा काफ़ी सारा काम हो गया है। अब सुबह में यानी कि बर्थडे के दिन मैं सबसे पहले कढ़ी चावल बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर चावल के लिए पानी रख दिया है, चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे, और कढ़ी का जो बैटर हमने बना के रखा था उसमें मैंने पानी मिला करके रख दिया है क्योंकि वो बहुत गाढ़ा था तो उसको डाइल्यूट करना था। अब यहाँ पर एक कुकर में मैंने देसी घी डाला है, साथ में डाला है हींग, मेथी दाना और सरसों के दाने और थोड़ी सी लाल मिर्च साबुत वाली, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है पहले जिससे कुकर ठंडा हो जाए, उससे कढ़ी फटती नहीं है, और फिर उसके बाद मैंने कढ़ी का बैटर डाल के और थोड़ा सा पानी और डाला है डाइल्यूट करने के लिए।
क्योंकि मैं कढ़ी को बहुत देर तक पकाती हूँ और इसके बाद हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो जब मैं पहले स्कूल में जॉब करती थी ना, तो मुझे 7:15 बजे निकलना रहता था, लंच बना करके मैं जाती थी। तो उस समय मैं कढ़ी का इसी तरीके से बैटर बना के तैयार रखती थी फ्रिज में, और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले कढ़ी चावल रख देती थी, जिससे कि स्कूल जाने से पहले आराम से लंच तैयार हो जाता था। अच्छा, ये जो दम आलू की ग्रेवी है ना, इसके अंदर मैं थोड़ी सी मलाई डाल रही हूँ फेट के, और मसालों में मैंने इसके अंदर नमक, हल्दी और मल्टीपर्पज़ मसाला डाला है। मल्टीपर्पज़ मसाला एक मसाला मिक्स है जो मैं बहुत सारे मसालों को मिला करके घर पे बना के तैयार रखती हूँ, और ये हम बहुत सारी सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मल्टीपर्पज़ मसाले की रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यकीन मानिए, बहुत टाइम बचता है इसको यूज़ करने से, अलग अलग मसालों के डब्बे नहीं खोलने पड़ते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं जब भी गोभी बनाती हूँ ना, फुल गोभी, तो उसको थोड़ी देर के लिए उबलते पानी में ज़रूर डाल करके रखती हूँ, थोड़ा सा नमक भी डालती हूँ साथ में। रीज़न ये है कि गोभी कई बार अंदर से गंदी होती है, तो ऐसे मुझे उसको यूज़ करने का दिल नहीं करता, कभी कीड़ा भी होता है, कई बार डर्ट होती है, तो इसलिए मैं उसको उबलते पानी में थोड़ी देर के लिए ज़रूर डाल के रखती हूँ। और वैसे मैं फ्राई गोभी बनाने वाली हूँ, साथ में ये आलू भी डालूंगी, इसलिए मैंने इनको इसी तरीके से लंबा लंबा काटा है, गोभी को भी लंबा लंबा काटा है। तो गोभी को मैं एकदम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर उसको ऐसे जाली में निकाल के रखूँगी थोड़ी देर, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो ना, वो सारा निकल के नीचे आ जाए, क्योंकि गोभी काफ़ी ऑयल अब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बीच में फंस जाता है, तो इसलिए वो ड्रेन हो जाएगा, तो ज़्यादा ऑयली गोभी नहीं रहेगी। और साथ साथ मैं दाल को धो लूँगी जो मैंने कचौड़ियों के लिए भिगो के रखी थी, और बीच बीच में और भी काम मैं करती जाऊँगी। और अब लगभग 11 बज चुके हैं और मेरी किचन भी साफ़ हो गई है, क्योंकि मेरी हाउस हेल्प आ गई थी, जितने भी बर्तन निकले अभी तक वो सारे साफ़ हो गए हैं। किचन बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ती है अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर लो, और काफ़ी सारा काम हो गया है। अब मैं छोटा सा एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक इन द सेंस कि मैं किचन के काम से ब्रेक लूँगी। मंत्र को मैंने बिठाया हुआ है पढ़ने के लिए, उसका थोड़ा सा काम देखूँगी, पूजा करूँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर कंटिन्यू करूँगी किचन का काम। दम आलू हमारे एकदम तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छी ग्रेवी लग रही है, तो उसमें मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी और साथ में डाल दूंगी ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया देखने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। जो भी चीज़ें मेरी तैयार होती जाएंगी ना, उनको मैं बाहर रख दूंगी डाइनिंग टेबल पर, जिससे कि किचन के अंदर स्पेस क्रिएट होता रहे। और अब मैं खीर बनाऊंगी, तो मैंने थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा घी डाला है, और उसके अंदर डाले हैं भीगे हुए चावल, मैं पहले भिगो के चली गई थी, और हल्का सा चावल को भूनने के बाद फिर मैंने दूध डाला है। अगर पहले घी डाल लेते हैं ना नीचे बर्तन में, तो फिर खीर लगती नहीं है बिल्कुल भी, नीचे से जलती नहीं है। अब गोभी बनाने के लिए मैंने ऑयल डाला है, हींग, जीरा, साथ में अदरक के लंबे लंबे कटे हुए लच्छे, टमाटर का पेस्ट, नमक, हल्दी, और ये फ्राई किए हुए गोभी और आलू। इसको मैं मिलाऊंगी अच्छे से, और फिर बहुत थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके एकदम सिम फ्लेम पर रख दूंगी। अब कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ बनाऊंगी, तो मैंने बेसन में नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाला है, और एकदम गाढ़ा पेस्ट तैयार किया है, और इसको मैं लगातार फेटूंगी एक ही डायरेक्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये बैटर लेकर मैं अंदर आ गई हूँ, मुझे कुछ मेडिसिंस भी लेनी थी अपनी, वो भी लूँगी, मंत्र को भी देखूँगी, वो पढ़ाई कर रहा है, उसके कुछ सम्स चेक करूँगी, थोड़े सम्स उसको और दूँगी करने के लिए, और कुछ अब फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं मंत्र को विश करने के लिए, तो वो भी मुझे अटेंड करने हैं, तो मैं अंदर बैठे बैठे कर लूँगी, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, मंत्र को भी अटेंड कर लूंगी और बेसन को भी आराम से फेंट लूंगी एकदम तसल्ली से। और खीर में मैंने चीनी, केसर और किशमिश डाली है सिर्फ, मंत्र को ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है, तो हमेशा मैं खीर अलग करके मंत्र के लिए बिना ड्राई फ्रूट्स वाली फिर ड्राई फ्रूट्स मिलाती हूँ।
लेकिन क्योंकि आज मंत्र का बर्थडे है तो आज हम सब मंत्र की पसंद की खीर खाएंगे, तो खीर भी रेडी हो गई है और यहाँ पर मैंने कढ़ी के पकौड़े भी तैयार कर लिए हैं। आज मैं रेसिपी की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि आज का मेरा जो फोकस है वीडियो का वो है प्लानिंग कि किस तरीके से मैंने काम किया। और यहाँ पर कढ़ी के पकौड़े एकदम सॉफ्ट बने हैं, इनको भी मैं डाल दूँगी कढ़ी में और एक दो उबाल अच्छे से लगाऊँगी एकदम हाई फ्लेम पर। और ये मूंग दाल मैंने पीस ली है, थोड़ी सी पतली हो गई है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया इसमें, तो मैंने इसके अंदर 3-4 चम्मच बेसन डाला है गाढ़ा करने के लिए। साथ में डाला है हरा धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, हींग और नमक इसके अंदर मैंने बिल्कुल नहीं डाला है। नमक जब आटा गूँथूँगी ना तो आटे में लगाऊंगी। और यहाँ पर कढ़ी बिल्कुल तैयार है, फ्लेम बंद कर दी है मैंने, गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है। सबसे पहले मैं छठी की पूजा के लिए थाली लगाऊंगी, तो मैंने कढ़ी, चावल और खीर इसमें बस रखी है। एक थाली मुझे मंदिर भी भेजनी है तो साथ साथ मैं वो भी निकाल लूँगी। और उसके बाद हम घर पर एक छोटी सी पूजा करेंगे और उसके बाद सब लोग लंच करेंगे, तो मैं लंच के लिए पूरियाँ और कचौड़ियाँ दोनों बनाऊँगी। बिना दाल वाली लगभग 10 पूरी मैंने बना के रख ली है। ऐसा मैंने इसलिए किया है जिससे कि बीच में अगर थोड़ा ब्रेक लग जाए या ना बन पाए पूरियाँ तो किसी को बैठना ना पड़े। और अब मैं दाल वाली पूरियाँ बना रही हूँ तो उसके लिए मैं सबसे पहले लोइयाँ तैयार करके रख लूँगी, 6-7 लोइयाँ तैयार कर लूँगी। फिर उनको बेल के मैं एक कपड़े पर रख लूँगी 6-7 पूरियों को, और फिर उसके बाद मैं उनको हाफ़ फ्राई करूँगी। और फिर जब हाफ़ फ्राई कर लूँगी तो मैं 2-2 कचौड़ियाँ डाल के उनको फुल फ्राई करूँगी। तो ये मेरा प्रोसेस है कि मैं अकेले में ऐसे ही पूरी और कचौड़ी बनाती हूँ, इससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप एक एक पूरी बेलते जाओ और एक एक डालते हैं ना तो थोड़ा सा आँच का गड़बड़ होने का डर रहता है, कभी ठंडी हो जाती है कभी तेज़ हो जाती है, तो मुझे ऐसे ही कन्वीनियंट लगता है। 6-7 पूरियाँ बेल कर रख लो और फिर एक साथ उनको तल लो एक एक करके। ये ना दाल वाली कचौड़ी है तो इनको मैंने हाफ़ फ्राई करके रख लिया था, अब इनको मैं फुल फ्राई कर रही हूँ एकदम गोल्डन ब्राउन करके, अब मैं निकालूंगी। तो जब हम ऐसे करते हैं ना तो अंदर तक ही सिकती हैं, जो अंदर हमने दाल की स्टफिंग करी है ना वो भी एकदम सिक जाती है, बहुत अच्छी बनती है, अंदर से आटा एकदम बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है। तो ये तरीका बहुत अच्छा लगता है मुझे और ये मैंने सीखा है अपनी मम्मी से। अच्छा, जो बिना दाल वाली पूरियाँ होती है ना, नॉर्मल पूरी मतलब जो होती है, उसको मैं सिंगल फ्राई करती हूँ, उसको डबल फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई भी स्टफिंग नहीं होती है और वो पतली होती है, तो उनको डबल फ्राई नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर मेरी सब चीज़ें तैयार हैं, ये मंदिर की थाली है तो ये मैंने निकाल दी है और इसको मेरे हस्बैंड दे करके आएंगे। और अब मैंने सबको बिठा दिया है लंच करने के लिए क्योंकि मुझे अब क्यूरियोसिटी हो रही थी कि कैसा खाना बना है, मैं कल से लगी हूँ तो जल्दी से कोई खा ले और बताए, तो मैं बीच में पूछने के लिए भी आई हूँ। और बच्चों को और हस्बैंड को तो आप लोग जानते ही हैं, साथ में मेरे फादर इन लॉ बैठे हैं और मेरी मदर इन लॉ भी हैं। और प्लीज़ मेरे कपड़ों को और मेरे हेयर स्टाइल को देख कर प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि सुबह से काम में जब लगना होता है ना तो मैं एकदम पुराने से कॉटन के कपड़े पहनती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल लगे। और अभी जब सारा काम लंच वगैरह का हो जाएगा ना उसके बाद में जा करके थोड़ा अपना शक्ल को सुधार के आऊँगी और कपड़े चेंज करके आऊँगी केक कटिंग के लिए। और ये जो केक कटिंग वाला मोमेंट होता है ना, ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सुबह से इस मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं कि हम केक कटिंग कब करेंगे, हम केक कटिंग कब करेंगे, केक कब आएगा। तो मंत्राज अपनी पसंद से केक लेकर के आया है, पापा के साथ खुद गया था और केक लेकर के आया है कि मुझे ब्लैक फॉरेस्ट केक पसंद आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर जो चेरीज लगी हुई है ना वो मुझे बहुत पसंद है। और आज इसके फ्रेंड्स को हमने नहीं बुलाया है क्योंकि कल मैथ्स का एग्ज़ाम है, सिर्फ आज का प्रिपरेटरी ऑफ मिला है तो बच्चे एंजॉय नहीं कर पाते।
और शायद आप ही नहीं पाते, तो इसलिए मैं बच्चों की पार्टी रखूँगी सैटरडे को, यानी जिस दिन ये वीडियो जाएगा उस दिन हम लोगों ने बच्चों की पार्टी रखी है। उस दिन की हमने अलग से प्लानिंग की है, उस दिन एकदम सब कुछ बच्चों के हिसाब से रखा है, खाना पीना, गेम्स, म्यूज़िक, और पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों को पूरा इंजॉय कराया जाए। कोशिश करूँगी उस दिन का एक मिनी व्लॉग अगर बना सकी तो वो बना करके मैं डाल दूँगी। वैसे उस दिन मैं खुद को एकदम फ्री रखना चाहती हूँ और पार्टी को इंजॉय करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।